bismillahir rahmanir rahim dear students assalamu alaikum i am mrs Rizwana zia this is your maths class and you know that we are studying chapter number 6 which is about conic section today we will solve exercise 6.6 .6 and only those parts uh, or questions which are described in alp syllabus टूडे विल डिस्कस हाइपरबोला एंड इट्स एलिमेंट्स नाउ लेट इज सी वट इज़ हाइपरबोला वट इज़ इट्स डेफिनेशन स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें जो आपने पैराबोला में भी डिस्कस की थी ज़रा उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ही लेटर ई e लिखा हुआ है लेट के बाद तो ई इज़ नोन एज एक्सेंट्रिसिटी एफ़ इज़ नोन एज फोकस एंड एल इज़ डायरेक्ट्रिक्स विच इज़ आ फिक्स लाइन ठीक है ई एक सेंट्रिसिटी होती है एल डायरेक्ट्रिक्स होती है जो कि एक फ़िक्स लाइन होती है और एफ एक फिक्स पॉइंट होता है ठीक है आपको याद होगा कि uh, आपने पैराबोला में भी ये तीनों चीज़ें डिस्कस की थी वही डेफिनेशन है थोड़ा सा फ़र्क है इसमें तो आइए देखते हैं लेट ई e, b greater than 1 and f b a fixed point and l b a line not containing f ठीक है ये सेम उसी तरह से ये डेफिनेशन जैसे कि आपने पहला बुला में पढ़ी थी थोड़ा सा फ़र्क है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ लेट e greater ग्रेटर देन and एंड एफ a fixed point and l b a line not containing f means जो so f point है वो l पे लाई नहीं करता also let pxy be a point in the plane and pm be a perpendicular distance of p from l pxy be any point in the plane and pm be the perpendicular distance of p from directrix l the set of all points pxy such that pf

ठीक है अगर इस इन दो डिस्टेंसेस पी एफ ओवर पी एम की रेशो ई के इक्वल हो वेयर ई ग्रेटर देन वन देन दिस ग्राफ बिकम्स हाइपरबोला ठीक है मैंने अभी शुरू में आपको कहा कि ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही है जो आपने पैराबोला के लिए पढ़ी थी पैराबोला के केस में ई इज़ इक्वल टू वन होता है मीन्स ये रेशो पी एफ ओवर पी एम इज इक्वल टू वन होती है तो वो पैराबोला होगा और अगर ये रेशो ग्रेटर देन वन होगी देन दिस दिस विल बी अ ग्राफ ऑफ हाइपरबोला एफ एंड एल आर रिस्पेक्टिवली फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला एंड ई इज़ नोन एज एक्सेंट्रिसिटी ठीक है ये इसकी डेफिनेशन हो गई जिसमें मोस्टली चीज़ें तो पुरानी ही थी पैराबोला वाली तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होता है हाइपरबोला हाइपरबोला की ये मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं हम एक को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं नेक्स्ट uh, बाद में ने आपसे डिस्कस करती हूँ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्वयर ओवर ए स्क्यर माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्यर इज इक्ल टू वन ठीक है ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ग्राफ देखते हैं इसका कैसा होता है जी ये आपके सामने हाइपरबोला का ग्राफ है तो यहाँ पे आप देखिए सिंस दिस ग्राफ ऑफ हाइपरबोला मीट्स एक्स एक्सेस एट पॉइंट ए एंड ए प्राइम या ए डैश देन दिस एक्स एक्सेस इज़ नोन एज ट्रांसवर्स एक्सेस एंड इसको हम फोकल एक्सेस भी कहते हैं क्योंकि फोकस uh, के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इस पे लाई करते हैं चलिए पहले हम देखते हैं ए ए ज़ीरो एंड ए डैश माइनस ए ज़ीरो आर नोन एज़ वर्टिस ऑफ दिस पैराबोला एंड फोकाए एफ सी ज़ीरो एंड एफ़ डैश माइनस सी ज़ीरो ठीक है इसमें दो फोकस होते हैं और फोकस की प्लूरल है फुकाए फोकाए एफ सी ज़ीरो एंड एफ़ डैश माइनस सी ज़ीरो एंड देन टी इज़ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट और अभी हमने पढ़ा पी एम इज़ पर पेंडिकुलर डिस्टेंस टू द डायरेक्ट्रिक्स और इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे क्योंकि दो फूकाएँ हैं तो इसलिए डायरेक्ट्रसीज भी दो होंगे x इज़ इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वेयर एंड x इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वेयर ये इसके डायरेक्ट्रसीज हैं ठीक है और बच्चों क्योंकि ये ग्राफ y एक्सिस को रियल पॉइंट्स पे मीट नहीं करता तो इसलिए ये पॉइंट्स हम शो नहीं करते हैं लेकिन इसके जो पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी एंड बी डैश दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला ठीक है आप यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं ना बी की बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये बी स्क्वायर क्या है ये एक्चुअली हम कॉन्जुगेट एक्सिस पे पॉइंट्स लेते हैं बी ज़ीरो बी एंड बी डैश ज़ीरो माइनस बी ये इसके हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और जहां पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं इन दिस केस वाई एक्सिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस अच्छा और इसके बाद बच्चों सेंटर होता है सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ का मिड पॉइंट है सेंटर और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो जीरो दैट इज ओरिजिन सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला लाइज एट औरजन और ये बच्चों आप लोग बात याद रखिएगा कि जो हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं उनका औरजन हमेशा उनका सेंटर हमेशा औरजन पे होता है ठीक है और सेंटर इज आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस एंड सेंटर इज़ आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ फोकाई फोकाई का मिड पॉइंट निकालें तो वो भी सेंटर होता है ठीक हो गया दिस इज ऑल अबाउट दिस हाइपर आइए हम इसका दूसरा केस भी डिस्कस करते हैं देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स क्योर ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू वन ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्र ओवर ए स्क्यर माइनस एक्सक्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन यहाँ पे आप देखिए समरी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपर बोलाज आइए हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं फुकाए इन दिस केस इज प्लस माइनस सी ज़ीरो डायरेक्ट्रिस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वेयर ट्रांसफर्स एक्सेज वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आपने अभी फ़िगर में देखा था या यहाँ पे नीचे भी देख लें आप फिगर में क्योंकि एक्स एक्सेज इसका ट्रांसवर्स एक्सेस है और आपको पता है एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू जीरो वर्टिस इज आर प्लस माइनस ए ज़ीरोट्रिसिटी इज सी ओवर ए विच इज ग्रेटर देन वन सेंटर इज एट ओरिजिन और ये इसका ग्राफ है स्टैंडर्ड फॉम में अब हम इसके सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं वाई स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्सक्र ओवर बी स्क्र इज ईक्ल टू वन अब बच्चों क्योंकि इस केस में आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर्स एक्सेज या आप कह लें कि ग्राफ जो है वो हाइपरबोला का ग्राफ वाई एक्सिस को पॉइंट ए और ए डैश पे कट कर रहा है तो जब पॉइंट ए और ए डैश वाई एक्सेस पे लाई करेंगे तो फिर इनके आप देखिए कि क्या सिचुएशन होगी फोकस भी ज़ाहिर है वाई एक्सिस पे आ जाएगा तो फुकाए हो जाएंगे ज़ीरो प्लस माइनस सी डायरेक्ट हो जाएंगे वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्र एंड ट्रांसवर्स एक्सेस क्योंकि वाई एक्सेस है और वाई एक्स की वाई एक्सेस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ज़ीरो इसके बाद वर्टिसेस uh, भी क्योंकि वाई एक्सेस पे हैं तो जीरो इक्वल टू प्लस जीरो एंड प्लस माइनस ए आर कोआर्डिनेट्स इसेंट्रिसिटी सेम ही रहती है दोनों केसेस में सी ओवर ए विच इज़ ग्रेटर देन वन और सेंटर इज़ एट ओरिजिन ठीक है क्योंकि सेंटर जो है वो वर्टिसज़ uh, या फुकाए का मिड पॉइंट होता है तो इस केस पे भी ओरिजिन पे होगा तो ये बच्चों हमारे पास थे दो केसेस स्टैंडर्ड हाइपरबोलास के हम इसके अलावा भी एक्सरसाइज़ में देखेंगे कि हमें ऐसे हाइपरबोलास uh, भी मिलेंगे जिनका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं ठीक है होते हाइपर ही हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं. नाउ लेटर स्टार्ट एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन हमने स्किप कर दिया है क्योंकि आपके ए एल पी सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन नंबर टू देखिए फाइंड द सेंटर फुकाए एक्सेंट्रिसिटी वर्टिस एंड एकजन ऑफ डायरेक्टिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग और अगेन फर्स्ट पार्ट मिसिंग है सेकेंड से हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्र ओवर फोर माइनस वाई स्क्यू ओवर नाइन इज इक्ल टू वन अब बच्चों जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इन्हें आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है ताकि हम जो इसके एलिमेंट्स हैं उन्हें इजीली कैलकुलेट कर सकें अब देखिए इसमें हमने इस तरह की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी एक्सक्र ओवर ए स्क्यर माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्ल टू वन ए स्क्र इज़ फोर एंड बी स्क्र इज़ नाइन इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया एंड बच्चों यहाँ पे सी स्क्यर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्यर होता है एंड दिस इज इक्वल टू फोर प्लस नाइन दैट इज थर्टीन एंड सी बिकम्स स्क्वेयर रुट थर्टीन नौ फर्स्ट वन इज एक्सेंट्रिसिटी सिंस ए ई इज इक्वल टू सी दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू सी ओवर ए एंड दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू स्क्र रूट थर्टीन ओवर टू ठीक है दिस इज एक्सेंट्रिसिटी स्क्वेयर रूट थर्टीन ओवर टू हमने सी और ए की वैल्यू स्पोर्ट कर दी नेक्स्ट देखिए फोकाए फुकाए फो, के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस सी ज़ीरो तो यहाँ पे आप देखिए प्लस माइनस सी इज स्क्वेयर रूट थर्टीन और साथ ये ज़ीरो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट थर्टीन ज़ीरो दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाए नेक्स्ट वर्टिस इन दिस केस वर्टिसज आर प्लस माइनस ए ज़ीरो तो ए की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्र है फोर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू जी प्लस माइनस टू ज़ीरो हमारे पास वर्टिसज आ गए और डायरेक्ट्रिसेस डायरेक्ट्रिसेस की देखिए इक्वेशन एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर e एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ओवर स्क्वेयर रूट थर्टीन ओवर टू देखिए ए की वैल्यू है आपके पास यहाँ से टू और ई e की वैल्यू है स्क्वेयर रूट थर्टीन ओवर टू और इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इट बिकम्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर ओवर स्क्वेयर रूट थर्टीन एंड बच्चों सेंटर क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका स्टैंड सेंटर ओरिजिन पे होता है और उसके अलावा अगर आप वर्टिस का मिड पॉइंट कैलकुलेट करें तो वो भी ओरिजिन ही बनता है सो सेंटर इज एट ओरिजिन तो बच्चों ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सेंटर फुकाए सेंट्रिसिटी वर्टिसेस एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस कैलकुलेट की नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में भी हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये है जो सेकेंड केस हमने डिस्कस किया था वाइसपेयर ओवर सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्र ओवर नाइन इज इक्वल टू वन ना कंपेयरिंग गिवन इक्वेजन विद वाई स्क्र ओवर ए स्क्यर माइनस एक्स स्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू वन हमेशा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कम्पेयर करना है सो वी गेट ए स्क्यर इक्वल टू सिक्सटीन एंड बी स्क्र इक्वल टू नाइन सी स्क्यर बिकम्स ए स्क्यर प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन दैट इज ट्वेंटी फाइव एंड सी इज फाइव जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीड किया बिल्कुल उसी तरह से इसको भी अटेम्प्ट करते हैं एक्सेंट्रिसिटी सिंस ए ई इज इक्वल टू सी दिस इम्प्लाइज एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी ओवर ए पुटिंग वैल्यूज ऑफ सी एंड ए वी गेट ई इज़ इक्वल टू फाइव ओवर फोर फुकाए के लिए इस केस में कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो प्लस माइनस सी सो इट बिकम्स ज़ीरो प्लस माइनस फाइव क्योंकि सी की वैल्यू फाइव है तो जीरो प्लस माइनस फाइव उसके बाद है वर्टिस और वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो प्लस माइनस ए सो इट बिकम्स जीरो प्लस माइनस फोर सिंस ए स्क्वेयर इज सिक्सटीन सो ए इज फोर नाउ स्टूडेंट्स डायरेक्टिस बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड ई वैल्यू ऑफ ए इज फोर एंड वैल्यू ऑफ ई इज़ फाइव ओवर फोर एंड सिंप्लीफाइंग दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेजन वई गेट सिक्सटीन ओवर फाइव वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस सिक्सटीन ओवर फाइव आर इक्वेजन्स ऑफ डायरेक्ट्रिस एंड अगेन सेंटर इज एट ओरिजिन सो वी हैव कैलकुलेटिड द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स ऑफ दिस हाइपर बोला नेक्स्ट देखते हैं नाउ स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है अब हमने चेक करना है इसको कि ये हाइपरबोला कैसे बनेगा नाउ फोर वाई स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व वाई माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इसमें से हमने स्क्वेयरस uh, कंप्लीट करने तो उसके लिए देखिए हमने क्या वर्किंग की है फोर वाई स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व वाई में से हमने फोर कॉमन ले लिया एंड वी आर लेफ्ट विद वाई स्क्र प्लस थ्री वाई और इसमें से हमने माइनस वन कॉमन ले लिया नेक्स्ट टू टर्म्स में से इट बिकम्स एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो नौ बचो यहाँ पे हम स्क्र कंप्लीट करेंगे इट बिकम्स वाई स्क्यर प्लस थ्री वाई प्लस नाइन ओवर फोर ठीक है इस पे आप आइडेंटिटी लगाएं ए प्लस बी होल स्क्र की तो ए स्क्यर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र और नाइन ऊपर फोर हमने ये खुद से ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस नाइन कर दिया ये ब्रैकेट के बाहर फोर है जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये अकेला नाइन बन जाएगा सो इट बिकम्स माइनस नाइन एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए हमने एक्स के लिए स्क्वेयर कंप्लीट करना है माइनस वन कॉमन है एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस फोर ठीक है यहाँ पे भी हमने स्क्वेयर कंप्लीट किया एक्स माइनस टू का और यहाँ पे हमने फ़ोर खुद से ऐड किया है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इट मीन्स कि ये माइनस फोर था तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस फोर कर दिया ठीक है ये सिंपल वर्किंग है आप इसको किसी और मेथड से भी करना चाहें तो कर सकते हैं बस आपने ख्याल ये रखना है कि एक y की फॉर्म में y का स्क्वायर कंप्लीट करना है और एक x के साथ स्क्वायर कंप्लीट करना है नाउ इट बिकम्स फोर इंटू वाई प्लस थ्री ओवर टू होल स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एंड ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनको आप सॉल्व करें दिस बिकम्स इज इक्वल टू फोर नाउ स्टूडेंट्स आपने देखा कि हाइपरबोला की इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे वन होता है तो इसलिए हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे बाय फोर एंड वी गेट वाई प्लस थ्री ओवर टू होल स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर ओवर फोर इज इक्वल टू वन ठीक है ये आपने याद रखना है क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे हमेशा वन होता है तो इसलिए आपने इसको जो भी यहाँ पे टर्म होगी उससे डिवाइड कर देना यहाँ फोर था तो हमने फोर से डिवाइड कर दिया अब आप देखिए कि ये हमारे पास जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था उस फॉर्म की हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई है इसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे वे सपोज दैट y प्लस थ्री ओवर टू इज कैपिटल Y एंड x माइनस टू इज कैपिटल X. एंड पुटिंग दीज टू वैल्यूज़ इन इक्वेजन वन यहाँ से आप देखिए बहुत ईजी सा काम होता है और आसानी से सब्स्यूशन हो जाती है और कंपेयर करके हम ईजिली इसके एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकेंगे तो आप देखिए कि वाई प्लस थ्री ओवर टू को हमने कैपिटल वाइज पोज कर लिया और एक्स माइनस टू को हमने कैपिटल एक्स पोज कर लिया तो इक्वेजन क्या बन गई हमारे पास वाई स्क्र ओवर वन माइनस एक्स स्क्र ओवर फोर इज इक्ल टू वन इट रिप्रेजेंट्स आ हाइपरबोला आपने देखा कि ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और अब हमें चेकिंग करने में भी आसानी हो जाएगी कि ये हाइपरबोला बन भी रहा है या नहीं तो ये अब आपके पास हाइपरबोला आ गया और जो हमने पहले हाइपरबोला डिस्कस किए थे उनका सेंटर ओरिजिन पे था लेकिन इन हाइपरबोलास का अभी आप देखेंगे जब हम सेंटर कैलकुलेट करेंगे तो इसका सेंटर uh, ओरिजन पे नहीं आएगा नेक्स्ट देखते हैं नाउ कंपेयरिंग uh, जो अभी हमने इक्वेशन फॉर्म की है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे वाई स्क्यर ओवर ए स्क्यर माइनस एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन इट बिकम्स ए स्क्यर इक्वल टू वन एंड बी स्क्यर इज इक्वल टू फोर सो सी स्क्यर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्यर वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव एंड सी बिकम्स स्क्र रूट फाइव इसेंट्रिसिटी आपको पता है हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से ए ई इज इक्वल टू सी एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू सी ओवर ए एंड एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू स्क्र रूट फाइव ओवर वन सी और ए की वैल्यूज पुट कर दी सो एक्सेंट्रिसिटी बिकम्स स्क्र रूट फाइव नेक्स्ट इज फोकाए फोकाए इन दिस केस ये वाला जो हमने केस डिस्कस किया है इस केस में होते हैं ज़ीरो प्लस माइनस सी ठीक है और हम ये जो कैपिटल लेटर्स में हमने एक्स और वाई सपोज किए थे पहले हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कैपिटल एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस माइनस सी और फिर बच्चों इनको हम कैपिटल uh, एक्स की वैल्यू हमने सपोज की एक्स माइनस टू और कैपिटल वाई है वाई प्लस थ्री ओवर टू ठीक है फुकाए जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये होते हैं और एक्स और वाई हमने कैपिटल लेटर्स में लिए हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें जो हमारी स्पोज की हुई हाइपरबोला की इक्वेशन है उसको तो अब इनको दोनों ऑर्डर पेयर्स को कंपेयर कर लें ओके ज़ीरो प्लस माइनस सी ज़ीरो प्लस माइनस स्क्र रूट फाइव अभी हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट इज़ स्क्र रूट फाइव अब इनके एलिमेंट्स uh, को ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को कंपेयर करें एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई प्लस थ्री ओवर टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्यूट फाइव एंड वाई बिकम्स वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू प्लस माइनस स्क्यर फाइव तो आपने देखा कि फ़ुकाए के कोऑर्डिनेट्स क्या आए आपके पास टू एंड माइनस थ्री ओवर टू प्लस माइनस स्क्यूट फाइव ये ऑर्डर पेयर्स आया आपके पास फुकाए के नेक्स्ट देखिए सेंटर सेंटर आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एट ओरिजिन होता है तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का ऑर्डिट पेयर हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो और फिर इसमें हम इसकी सब्सट्यूट जो हमने इसकी स्पोज वैल्यूज़ हैं वो सब्सट्यूट कर दी एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री ओवर टू इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो कंपेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ दी ऑडिट पेयर्स वी गेट एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू सो आपने देखा कि सेंटर इज़ एट टू माइनस थ्री ओवर टू ठीक है अब जो हमारे पास जो हमें स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला कि है उसका सेंटर इस पॉइंट पे है ना के ओरिजिन पे ठीक है तो ये स्टैंडर्ड फॉम में नहीं थी और हमने देखा कि सेंटर भी औरिजन नहीं आया नेक्स्ट वर्टिसेस वर्टिसेस होते हैं इस केस में ज़ीरो प्लस माइनस है तो यहाँ पे आप देखिए कि एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री ओवर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस माइनस वन एलिमेंट्स को कंपेयर कर लें एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो सो एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई प्लस थ्री ओवर टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इट बिकम्स वाई इज़ इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू प्लस माइनस वन एंड फर्दर इट बिकम्स माइनस वन बाय टू एंड माइनस फाइव बाई टू वाई की दो वैल्यूज आई हैं आपके पास माइनस वन बाई टू एंड माइनस फाइव बाई टू एंड वर्टिसज आर टू माइनस वन बाय टू एंड टू माइनस फाइव बाई टू नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टिस डायरेक्टिस इन दिस केस आर y इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e हमने जितने भी एलिमेंट्स लेने हैं वो ये जो कैपिटल लेटर्स में हमने हाइपरबोला सपोज किया है उसके लिए लेने और बाद में उसको कन्वर्ट करना है जो हमने सपोजिशन ली थी उससे नाउ y प्लस थ्री ओवर टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट फाइव ए और e की वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पे एंड फर्दर इसको सिंपलीफाई करेंगे इट बिकम्स माइनस थ्री ओवर टू प्लस माइनस वन ओवर सो उज आर इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिस इन दिस केस सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द एलिमेंट्स विच आर आज इन द स्टेटमेंट नेक्स्ट पार्ट देखिए टेंथ पार्ट है नाइन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इसको भी हम प्रीवियस पार्ट की तरह कंप्लीटिंग स्क्यर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे पहले हम अरेंज कर लेते हैं ये एक्स वाले टर्म्स नाइन एक्स स्क्र माइनस थर्टी सिक्स एक्स और माइनस वाई स्क्र माइनस सिक्स वाई में से हमने माइनस वन कॉमन ले लिया एंड वाई स्क्र प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एटीन नेक्स्ट देखिए फर्स्ट ब्रैकेट से नाइन कॉमन आ जाएगा वर्किंग करते जाएँ इसकी और फिर हमने इसका स्क्यर कम्प्लीट करने के लिए फ़र्स्ट ब्रैकेट में फ़ोर ऐड किया है और क्योंकि ब्रैकेट से बाहर नाइन है तो ये नाइन फोर जर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स एक्चुअली हमने ऐड किया तो ये हमने बोथ साइड्स पे थर्टी सिक्स ऐड कर दिया और सेकंड ब्रैकेट में हमने नाइन ऐड किया है और अगर आप देखें तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इट मीन्स हमने यहाँ माइनस साइन माइनस नाइन लिया तो इसको हमने राइट हैंड साइड पर भी माइनस नाइन ले लिया एंड इट बिकम्स नाइन इंटू एक्स माइनस टू होल स्केयर माइनस वन इंटू वाई प्लस थ्री होल स्केयर और राइट हैंड हाइपरबोला में राइट हैंड साइड पर वन होना चाहिए सो बोथ साइड्स को हम वन से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेजन आ जाए एक्स माइनस टू होल्सकेयर ओवर वन माइनस वाई प्लस थ्री होल स्केयर ओवर नाइन इज इक्ल टू वन ठीक है हाइपरबोला की इक्वेशन बनाने के लिए हमने बोथ साइड्स को नाइन से डिवाइड कर दिया नौ बच्चों इसको अगेन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री ये हमने इसमें सब्स्यूशन करनी है एक्स माइनस टू की जगह कैपिटल एक्स और वाई प्लस थ्री की जगह कैपिटल वाई और इक्वेशन वन बिकम्स कैपिटल एक्स स्क्र ओवर वन माइनस कैपिटल वाई स्क्र ओवर नाइन इज इक्वल टू वन अब आप देखिए ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई है जो कि हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था मीन्स एक्सक्र ओवर ए स्क्यर माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन अब हम इस इक्वेजन टू को इसके साथ कंपेयर करते हैं वी गेट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वन एंड बी स्क्यर इज इक्वल टू नाइन एंड वी नो दैट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्यर सो वन प्लस नाइन इज इक्वल टू टेन एंड सी बिकम्स स्क्वेयर उन एक्सेंट्रिसिटी के लिए एज इक्वल टू सी दिस एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू सी ओवर ए

नो कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने सपोज की एक्स माइनस टू कैपिटल वाई की वैल्यू सपोज की वाई प्लस थ्री और यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे रूट टेन सो इट बिकम्स प्लस माइनस रूट टेन एंड जीरो दिज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फॉर दिस इक्वेशन विच वी हैव रिटन इन कैपिटल एक्स वाई फॉर्म इक्वेशन नंबर टू comparing elements of the ordered pairs x minus 2 equal to plus minus square root 10 and y plus 3 is equal to 0 and x is equal to 2 plus minus square root 10 simplify humne and y is equal to minus 3 so coordinates of foci are 2 plus minus 10 and minus 3 next is center बच्चों, इक्वेशन टू हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है जो कि हमने कैपिटल लेटर्स के साथ लिखी थी तो उसका सेंटर होता है एट ओरिजिन ज़ीरो ज़ीरो सो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का हम ऑर्डर पेयर फॉर्म कर लेते हैं ज़ीरो जीरो की फॉर्म में फिर हम इनको कंपेयर करते हैं एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो और कंपेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स वी गेट एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री सो दिस इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला और आपने फिर देखा कि क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था हाइपरबोला तो इसका सेंटर ओरिजन पे नहीं आया बल्कि टू माइनस थ्री पॉइंट पे इसका सेंटर है नेक्स्ट देखते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस इन दिस केस आर प्लस माइनस ए ज़ीरो सो इनको हम कंपेयर करते हैं एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन ज़ीरो ए की वैल्यू है आपके पास वन वन ज़ीरो तो एक्स माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड वाई प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज़ इक्वल टू टू प्लस माइनस वन वाई इज़ इक्वल टू माइनस थ्री और जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं थ्री एंड वन सॉरी की वैल्यूज़ हैं थ्री एंड वन और y की वैल्यू माइनस थ्री तो इससे ऑर्डर्ड पेयर आए हमारे पास थ्री माइनस थ्री एंड वन माइनस थ्री दीज आर वर्टिस ऑफ दिस हाइपरबोला डायरेक्ट्रिस कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ए दिस इज़ डायरेक्ट्रिक्स फॉर इक्वेजन टू और इसको फिर हम कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने सपोज की हुई है एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर स्क्वेयर उन ए और ई की वैल्यूज पुट कर दी एंड नाउ x is equal to 2 plus minus square root 10. Next we see question number 3. Question number 3 an important result hai, hyperbola se related. Let 0 is less than a is less than c and f dash minus c 0 and f c 0 be two fixed points. Show that the set of points p x y सच दैट पी एफ डिस्टेंस पी एफ माइनस डिस्टेंस पी एफ डैश इज़ इक्वल टू प्लस माइनस टू ए इस हाइपर बोला एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्यर ओवर सी स्क्यर माइनस ए स्क्यर इज इक्वल टू वन मीन्स बचो अगर आपके पास ये सिचुएशन हो कि ए वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू सी और ये फुकाए हों एंड पी बी एनी पॉइंट दैन

पी एक्स वाई भी एनी पॉइंट ऑन दी हार्पोला एंड नाउ ये रिलेशन आपके पास गिवन है डिस्टेंस पी एफ माइनस डिस्टेंस पी एफ डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ए और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें इट बिकम्स एक्स माइनस सी होल स्क्र प्लस वाई माइनस सी होल स्क्र और होल पे स्क्वेयर रूट माइनस एक्स प्लस सी होल स्क्र क्योंकि एफ डैश के कोआर्डिनेट माइनस सी ज़ीरो हैं तो ये एक्स प्लस सी हो जाएगा ठीक है एक्स प्लस सी होल स्क्र प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्र इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ए नेक्स्ट में बच्चों फर्स्ट स्क्र रूट को हमने ऐसे ही रहने दिया और सेकेंड स्क्यर रूट को हम राइट हैंड साइड पे ले गए हैं इट बिकम्स एक्स प्लस सी होल स्क्यर प्लस वाई स्क्यर एंड होल स्क्र रूट प्लस माइनस टू ए नाउ टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड्स वी गेट बच्चों यहाँ पे मैंने दो वर्किंग्स uh, इकट्ठी कर दी हैं एक तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया और दूसरा मैंने इसके स्क्र्स भी एक्सपेंड कर दिए हैं एक्स स्क्र माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्यर आइडेंटिटी अप्लाई करके आया प्लस वाई स्क्र इज एकअल टू यहाँ पर देखिए हम आइडेंटिटी अप्लाई करने लगे हैं स्क्यर ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स प्लस सी होल स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्यर तो स्क्र रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके साथ ही मैंने ये स्क्वेयर भी ब्रेक कर दिया है एक्स स्क्र प्लस टू सी एक्स प्लस सी स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड देन हमारे पास होता है आइडेंटिटी हम जब अप्लाई करते हैं स्क्यर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्र प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसलिए प्लस माइनस दोनों लिख लिए और टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ये हो जाएगा आपके पास फोर ए इंटू एक्स प्लस सी होल स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर एंड देन स्क्र ऑफ ला सेकेंड टर्म दैट इज फोर ए स्क्र और इसे अब आप सिंप्लीफाई कर लें इट बिकम्स माइनस फोर सी एक्स माइनस फोर ए स्क्वेयर एंड यहाँ से आप बच्चों देखें एक्स स्क्र सी स्क्वेयर वाई स्क्र ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्र सी स्क्यर वाई स्क्र से और माइनस टू सी एक्स और ये जो प्लस टू सी एक्स है इसको जब हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस फोर सी एक्स और साथ ये फोर ए स्क्वेयर है इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले इट बिकम्स माइनस फोर ए स्क्वेयर और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा प्लस माइनस फोर ए एंड दिस स्क् रूट वाली टर्म कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे रह गया फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं टेकिंग minus 4 common we get cx plus a square is equal to plus minus 4a and uh, square root of x plus c whole square plus y square. Dividing both sides by minus 4 we get cx uh, plus a whole square is equal to cx plus a square is equal to plus minus a square root of x plus c whole square plus y square. नाउ अगेन टेकिंग स्क्यर ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी सी स्क्र एक्स स्क्र प्लस टू ए स्क्र सी एक्स प्लस ए फोर इज इक्वल टू अब बच्चों प्लस माइनस है तो स्क्वेयर की वजह से प्लस हो जाएगा टोटली एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा ए स्क्र और साथ हमारे पास ये स्क्यर और स्क्र उड कैंसल हो जाएंगे एक्स प्लस सी होल स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड हैंड साइड पे तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी अप्लाई की और सिंप्लीफाई किया और फिर ए स्क्यर को इस ब्रैकेट की हर टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर लिया अब आप देखिए सी स्क्र एक्स स्क्र प्लस टू ए स्क्र सी एक्स प्लस ए फोर माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस टू ए स्क्र सी एक्स प्लस ए स्क्यर सी स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र यहाँ से आप देखें टू ए स्क्यर सी एक्स टू ए स्केयर सी एक्स ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी बाकी टर्म्स को हम अरेंज करते हैं ताकि हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर्म कर सकें सी एक्स स्क्र और माइनस ए स्क्यर एक्स स्क्र सी एक्स स्क्र माइनस ए स्क्यर एक्स स्क्र को हमने इकट्ठा किया और माइनस ए स्क्यर वाई स्क्र ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे एक स्केयर और वाई स्केयर है तो ये मैं एक्स स्वयर और वाई स्केयर वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई हूँ और राइट right साइड पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स हैं ए स्क्यर सी स्केयर माइनस ए रेस टू पार फोर अब बच्चों फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स स्क्र कॉमन ले लें माइनस ए स्क्यर वाई स्क्यर हो जाएगा इज इक्वल टू इन दो टर्म्स में से हम ए स्क्र कॉमन ले लेते हैं तो हुई आर लेफ्ट विद सी स्क्र माइनस ए स्क्यर इंटू ए स्क्र अब स्टूडेंट्स बोथ साइड्स को हम आ, ये जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पे है इससे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें राइट हैंड साइड पे वन है सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए स्क्यर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्यर वट डू वी गेट एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस y square over c square minus a square is equal to 1 and this is equation of hyperbola next take question number 5 for any point on a hyperbola the difference of its dif distances from the points 2 2 and 10 2 is 6 find an equation of the hyperbola बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन नंबर थ्री से कंपेयर करें तो बिल्कुल उसी तरह का है वहाँ पे आपको फोकाए दिए हुए थे एफ़ डैश एंड एफ़ और टू ए डिस्टेंस दिया हुआ था तो ये अब हम वही स्टेटमेंट यहाँ अप्लाई करके सॉल्व करेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपर गिवन है आपको टू ए इज़ इक्ल टू सिक्स और फोकाए जो दिए हुए थे हम उनको लेबल कर लेते हैं एफ़ डैश टू टू

प्लस वाई माइनस टू होल स्क्र एंड होल स्क्र रूट माइनस पी एफ डैश डिटेंस फाइंड आउट करते हैं एफ डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं टू टू और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई इट बिकम्स स्क्यर रूट ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्र प्लस वाई माइनस टू होल स्क्र इज इक्वल टू सिक्स टू ए को हमने यहाँ पे स्पोज किया है सिक्स नाउ इसमें बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह से ही हमने प्रोसीड करना है इस स्क्र रूट को यहीं रहने दें दिस इज इक्वल टू सिक्स प्लस ये वाला स्क्यर रूट आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस स्क्यर रूट ऑफ एक्स माइनस टू होल स्केयर प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर नाउ टेकिंग स्क्यर ऑफ बोथ साइड्स यहाँ हैंड साइड पे तो स्क्र और स्क्यर रूट कैंसिल हो जाएंगे और फिर x माइनस टेन होल स्केयर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्र रह जाएगा इन स्क्वेयर्स को भी एक्सपेंड कर लें इट बिकम्स एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस हंड्रेड एंड वाई माइनस टू होल स्क्र बनेगा वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस फोर एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स स्क्र इज थर्टी सिक्स और आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बच्चों ए प्लस बी होल स्क्र की तो ये हमारे पास आ गया ए का स्क्वेयर और बी का स्क्वेयर देखिए बी है हमारे पास ये स्क्वेयर रूट के साथ जब हम बी स्क्र लेंगे तो स्क्यर और स्क्यर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ, हमारे पास टर्म बचेगी एक्स माइनस टू होल स्क्र प्लस वाई माइनस टू होल स्क्र और फिर साथ ही मैंने ये स्क्वेयर्स भी एक्सपेंड कर दिए हैं एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस फोर वाई स्क्यर माइनस फोर वाई प्लस फोर और फिर आती है मिडल टर्म दैट इज़ टू इंटू ए इंटू बी तो प्लस ट्वेल्व इंटू रूट एक्स माइनस टू होल स्क्र प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर नेक्स्ट देखिए सिम्पलीफाई किया हमने सिक्सटी माइनस सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्र प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर एंड ये आप स्क्र रूट देख सकते हैं लेफ्ट हेंड साइड से फोर कॉमन लें और दोनों साइड्स को फोर से डिवाइड कर दें वी आर लेफ्ट विथ फिफ्टीन माइनस फोर एक्स इज़ इक्वल टू थ्री इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस टू होल स्केयर प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर अगेन टेकिंग स्क्यर वी गेट फिफ्टीन माइनस फोर एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ थ्री इंटू रूट एक्स माइनस टू होल स्केयर प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर आइडेंटिटी अप्लाई करें लेफ़्टाइड पर फिफ्टीन स्क्र इज़ टू ट्वेंटी फाइव माइनस टू इंटू ए इंटू बी देट इज माइनस वन एक्स प्लस फोर एक्स का स्क्र हो जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्र थ्री का स्क्यर बच्चों नाइन और स्क्यर और स्क्यर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये जो अंदर आइडेंटिटीज़ हैं इन्हें भी हम एक्सपेंड कर देंगे स्क्यर्स को एक्सपेंड कर देंगे आइडेंटिटीज़ अप्लाई करके एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस फोर वाई स्क्यर माइनस फोर वाई प्लस फोर एंड फर्दर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे अरेंज भी कर लें और सिंप्लीफाई भी कर लें तो वी आर लेफ्ट विद सेवन एक्स स्क्र माइनस नाइन वाई स्क्वेयर माइनस एटी फोर एक्स एंड प्लस थर्टी सिक्स वाई प्लस वन फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड हेंस दिस इज इक्वेजन ऑफ हाईपर आपने देखा के हमें फुका और टू ए डिस्टेंस गिवन था और हमने उससे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैलकुलेट की बच्चों देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर टू का सेवन पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर टू का सेवन पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर टू के एट और टेन पार्ट की तरह सॉल्व हो जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फाइव तो ये इनशाला आपसे इजीली हो जाएंगे बच्चों हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आज सीखे हैं आप प्लीज़ इनको लिख के कीजिएगा तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनशाला उतनी ही ज़्यादा आपके लिए आसानी होंगी आई होप कि आपने आज जो काम किया है हाइपरबोला और उसके एलिमेंट्स और फिर फर्दर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये सब आपको समझ आ गया होगा ओके बच्चों बेस्ट विशेज़ अल्लाह हाफिज़